गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज दिव्या। अभी आपने देखा कि मैं बाहर गई हुई थी। एक्चुअली मुझे एक मैट्रेस जो है वो बनवाना था, वुल का मैट्रेस, तो मैं उसके लिए गई हुई थी कपड़े वगैरह देखने के लिए, कवर और वो सब। तो मैं वो देख कर आई हूँ, ऑर्डर दे कर आई हूँ, कल वो बना के रेडी कर देगा तो कल मुझे जाना है लेने के लिए। और अभी रात के 9 बज रहे हैं, एग्जैक्टली 9 बज रहे हैं। एंड यू नो वॉट, कहते हैं ना लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। तो आजकल मेरी लाइफ में कुछ वैसा ही चल रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो मैंने ना ये टॉप पहना हुआ है, ठीक है, ये देखो ये टॉप और ये जीन्स। ओके हाँ सुनी, डोर क्लोज कर देना बेटा, कॉफी है, डोर क्लोज कर देना। ऊपर आना है, ऊपर आना है, कॉफी बेटू, चाय नहीं कॉफी। पहले सबको हाय बोल दो तो। अरे रुको, ऐसे नहीं, ऐसे ऊपर ऊपर। हाय, अच्छे दोनों। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, तो मैं हमेशा ऐसे ही कुछ पहनती हूँ, ठीक है। अब आप बताओ इसमें मैंने क्या गलत पहना है, ठीक है। एक लेडी है, मतलब उसने मुझे मुंह पे कुछ नहीं कहा, वो मैं जा रही थी, सामने से वो भी आ रही थी, तो वो मेरे को कहती है कि, मतलब उसने मुझे डायरेक्टली नहीं कहा, इनडायरेक्टली, कि ऐसी ऐसी लड़कियों को देखे बहुत गुस्सा आता है जो शादी के बाद भी यू नो जीन्स पहनती है। अरे यार तुम साड़ी पहनते हो, ठीक है, साड़ी पहन रही हो तुम, हर जगह से तुम्हारे बॉडी पार्ट्स दिख रहे हैं, वो अच्छा है। आप जीन्स पहनो, अच्छे से आपने टॉप पहन रखा है, कहीं से कुछ दिख नहीं रहा है, यू नो शो ऑफ आप नहीं कर रहे हो, वो गलत है। मतलब लोगों की मेंटालिटी मुझे समझ में नहीं आती है। उसके बाद लोग आपके वीडियो में ऐसा दिखता है, आपके वीडियो में वैसा दिखता है। अरे यार अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो तुम बनाओ वीडियो, अगर है तुम्हें इतना गर्ज तो तुम बनाओ ना वीडियो, कैमरे के सामने बोलने में अच्छे अच्छे लोगों की यू नो बोलती बंद हो जाती है। अगर आपके पास है उतना गर्ज तो आप बनाओ। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, एक तो आप लोग आते हो देखते हो चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, जिसकी वजह से मुझे सुनना पड़ रहा है सब लोगों से। वेरी बैड है ना वो? बोलो दिस इज वेरी बैड, बोल दो वेरी बैड, बैड। और मुझे आ रही है बहुत नींद, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं बहुत बिजी लग रही हूँ ना, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। एंड यू नो जब मेरा मूड ऑफ रहता है या मैं बहुत गुस्से में रहती हूँ या मतलब ऐसे कुछ होता है ना, तो मैं ना बहुत खाती हूँ, बहुत, मतलब जो मेरे सामने आता है मन करता है मैं सब खा जाऊँ, मुझे बहुत भूख लगती है। जैसे मुझे अभी बहुत भूख लगी है, क्योंकि मैं एक तो मेरा मूड ऑफ है, सेकंड थिंग इसकी मुझे बहुत नींद भी आ रही है। तो मैं इस वीडियो को आई डोंट नो कहाँ तक लेके जाऊँगी, मे बी मैं शायद कल इस वीडियो को एंड करूँ। बैठे बैठे ये काम कर दूं। तो मैं ना बहुत देर से मैं सोच रही थी कि मैं कैमरा ऑन करूं, बट ना मुझे ना हिम्मत नहीं होती। एक्चुअली मैं बहुत थक गई, मुझे नींद भी बहुत आ रही है, आई डोंट नो क्यों आज वीकनेस लग ही रहा है, शायद इतना दिन हो गया बीमार पड़े हुए, ठीक ही नहीं हो रही हूँ, और मेडिसिन खा खा के एंटीबायोटिक खाई, एंटीबायोटिक ले लेके हालत खराब हो गया है बिल्कुल। ऊपर से बेबी को फीड भी करवाती हूँ, प्रॉपर खाना नाश्ता होता नहीं है ना, यू नो रूटीन नहीं है नींद की, इसके अकॉर्डिंग उठना पड़ता है, सोना पड़ता है, फिर व्लॉग्स बनाना है, उसे एडिट करना है, सारा काम रहता है, नहीं हो पाता यार, कोई नहीं समझेगा, आई नो
सब बोलेंगे अरे हम लोग भी तो करते हैं, तुमसे कैसे नहीं होता है। बोलने वाले लोग तो बोलते ही है ना, उन्होंने सीता मैया को नहीं छोड़ा तो मैं कौन, नो मैं कौन। लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। और क्या, कुछ नहीं, तुम्हें कुछ कहना है? कुछ कहना है कह दो। लॉलीपॉप खा रहे हो, दिखा दो पॉप। क्या आप लोगों को मेरी लाइटिंग से प्रॉब्लम है? लाइटिंग का मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ये मेरा घर है, ये मेरा स्टूडियो नहीं है, ठीक है। वॉइस का मैं भी कुछ नहीं कर सकती हूँ बिकॉज घर है, 10 तरह की आवाज़ साउंड हर तरह से आएंगे ही, उसका भी मैं कुछ नहीं कर सकती। आई कांट डू एनीथिंग, सॉरी। और क्योंकि व्लॉग्स है तो व्लॉग्स में सबके सोने पे या बिल्कुल शांत होने पे मैं बना नहीं सकती हूँ, घर के लोग भी डिस्टर्ब होते हैं। और जहाँ तक जैसा मेरा घर है, मैं आपको वैसा ही शो कर रही हूँ। अब आपको सिर्फ यूट्यूब पे सिर्फ दिखाने के लिए, मैं इसे अभी रेनोवेट तो अब नहीं करवाऊंगी, वेरी ऑब्वियस। लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हर नए काम में जब आप स्टार्ट करते हो ना, तो बहुत से लोग बहुत कुछ कहते हैं। हाँ देखो, नेगेटिव कमेंट्स को कभी आप नेगेटिव मत लो, ये बहुत अच्छी बात मैंने सीखी है। क्योंकि जो लोग आपको अगर कुछ गलत कह रहे हैं, तो आप ये समझो उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई होती है। वो आपको आपकी अगर कमी दिखा रही है, तो आप उस चीज़ को ठीक करो, ये बेस्ट पार्ट होता है। मैंने अपने लाइफ में यही सीखा है। कभी अगर आपको कोई आपको कुछ गलत कह रहा है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई है, तभी कह रहा है। और कहते हैं ना कि इफ यू वॉन्ट टू जज मी, वियर माई शू देन जज मी। पहले आप मेरे सिचुएशन में आओ, मैं, हाँ सिचुएशन ही कहते हैं ना, कि उसमें आप आओ, देखो, समझो उस चीज़ को, आप रियलाइज करो उस चीज़ को, उस तरह से लाइफ स्पेंड करो जैसे मैं कर रही हूँ। उसके बाद अगर आपको कुछ करना है तो आप कहो। अब बताओ, इस बाहर से कुछ आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ उसे इग्नोर कर देना, क्योंकि वो मैं एडिट के टाइम में उसे मैं अपने ब्लॉग में से उसे बिल्कुल निकाल के फेंक नहीं सकती हूँ। घर है तो वो आएगा ही, घर में 10 लोग होते हैं, 10 तरह की आवाजें आती हैं। चलो फिर, मैं अभी ना थोड़ा देर सो जाती हूँ, मूड थोड़ा खराब है। मेरी आंखें भी देखो कैसी दिख रही है, थकी थकी सी चीनी। ये देखो, ये मेरे लैक ऑफ स्लीप की वजह से ही आ रहा है लाइंस। हाँ जी, पाल जाओगे तो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आपने उस समय देखा कि मैं ना बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी, बहुत इरिटेटेड थी लोगों के बातों से, और मेरा मूड बहुत ऑफ था, इसलिए मैंने डिनर किया और डिनर करके मैं ना सो गई थी। और 2 बजे मिडनाइट एट 2 o'clock मेरा बेबी जो है वो उठ गया था, मतलब उठ गया। और वो देखो यहाँ पे बदमाशी कर रहा है, उठ गया वो। और मुझे भी काम करना था, शूट करना था, तो इसने मुझे भी जगा दिया कि मम्मा उठ जाओ। मैं आपको दिखाऊँ, अभी अभी मैंने एक वीडियो शूट किया है, और अभी देखो 3:02 हो रहे हैं। मैं आपको कैसे दिखाऊँ, 2 मिनट हो रहे हैं। और मुझे, और देखो मैंने मेकअप तो नहीं लगाया है, बट हाँ मैंने लगाई है मेकअप, मैं ज़रा उतार दूँ। मैंने कहा क्यों नहीं आप लोगों से ही बात करते करते मैं ये काम भी कर लूँ, क्योंकि अब मुझे थोड़ा हेडेक जैसा हो रहा है, बिकॉज कल मुझे मार्केट भी जाना है मैट्रेस लेने के लिए। फेस भी मैं क्लीन कर लूँ।
देखो बेट वाइफ से सिर्फ देखो कितना यू नो डर्ट निकल आता है। ये देखो अब कैसे एक बार में लिपस्टिक जो है वो निकल आया। मेरे लिप्स पे दिख नहीं रहा होगा लेकिन देखो इतनी सारी लिपस्टिक्स थी। बुरी बात नहीं है, मेकअप आप करो लेकिन अपने स्किन का भी ख्याल रखो। मेकअप को उतार कर ही सो, और मेकअप आप लगाओ तो अच्छे क्वालिटी का मेकअप लगाओ। ये नहीं कि अल्कोहल, पैराबेन, ये सब केमिकल्स वाले यू नो आप मेकअप लगा लो और उससे आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। मेकअप लगाओ लेकिन अच्छे क्वालिटी का लगाओ, अच्छे ब्रांड्स का यूज़ करो। आजकल तो अफोर्डेबल भी बहुत सारे ब्रांड्स आ गए हैं। ये नीड नहीं है कि आप यू नो बहुत मनी वेस्ट करो। और यार अभी एज है, अगर अभी आप मेकअप नहीं करोगे, अगर आप मेकअप लवर हो, बहुत लोगों को मेकअप करना नहीं पसंद है, बहुत लोगों को मेकअप करना पसंद होता है, तो अगर आप मेकअप लवर हो, आपको मेकअप करना पसंद है तो आप कर सकते हो, इसमें कोई यू नो गलत बात नहीं है। अच्छा दिखना तो यू नो सबका राइट है, अच्छे दिखना अगर चाहते हो, आपको लगता है कि मेकअप आपको सूट करता है, आपको करना चाहिए तो आप करो, इसमें कोई गलत बात थोड़ी है। लेकिन हाँ अपने स्किन को यू नो स्किन का ख्याल रखते हुए करो। मुझे अब मैं करूँगी इसमें फेस वॉश सोने से पहले बस, और उसके बाद फिर मैं अप्लाई कर लूँगी टोनर। लेट्स डन। मतलब ना कुछ लोग जो होते हैं ना वो संकुचित माइंड वाले होते हैं, मतलब उनका जो दिमाग होता है ना वो आई डोंट नो वो किस किस यू नो टाइम पीरियड में चलता है या फिर वो क्या सोचते हैं मुझे नहीं समझ में आता। मतलब लोग की मेंटालिटी मैं आजकल जो देख रही हूँ, मतलब इतना इतना मतलब अजीब वो मेंटालिटी होते जा रहा है लोगों का। मतलब अपने तो आपने कुछ करना नहीं है, ठीक है, जो कर रहे हैं आप उसके यू नो लेग आप उसका पुल कर रहे हो या फिर उसे आप करने नहीं दे रहे हो, और मतलब क्यों, और मतलब उसे डीमोटिवेट करना और ये सब, मतलब मुझे ना समझ में नहीं आ रहा लोग ऐसा क्यों करते हैं यार, क्यों करते हैं लोग ऐसा। और एक यू नो लखनऊ के एक यूट्यूबर है, उनका प्ले बटन आया। प्ले बटन क्या होता है आप जो यूट्यूबर है वो तो जानते हैं कि प्ले बटन क्या होता है, सिल्वर प्ले बटन एक ट्रॉफी है, यू नो हमारे काम को अप्रिशिएट किया जाता है यूट्यूब की तरफ से, और वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सिल्वर प्ले बटन जो है वो आपको तब मिलता है जब आप यू नो आपके 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं, और यू नो जब आप कोई अच्छा काम कर रहे हो और उसके बाद कोई आपको शाबाशी दे और आपको यू नो रिवॉर्ड दे, तो यू नो एक बहुत अच्छा अंदर से एक यू नो फीलिंग आती है कि नहीं मैं जो कर रही हूँ वो बहुत अच्छा काम है, मुझे इसे आगे करना है, और लोग उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको पसंद कर रहे हैं। तो सिल्वर प्ले बटन जो है एक अवार्ड है, एक रिवॉर्ड है, बहुत बड़ा एक्चुअली बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। आई डोंट नो मतलब जैसे उन्हें जब सिल्वर प्ले बटन मिला तो जब उन्हें वो आया यूट्यूब की तरफ से, तो उन्होंने अपने पूरी जर्नी को वो फिर से यू नो याद किए, और उन्होंने बताया कि जब उन्होंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो वो सिर्फ काम कर रहे थे, उनको यू नो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके पास सिल्वर प्ले बटन होगा। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मैंने जब ये चैनल स्टार्ट किया तब मेरा ये ड्रीम था, मतलब मेरा ये ड्रीम है एक्चुअली कि मुझे भी सिल्वर प्ले बटन चाहिए। और क्योंकि मेरी मदर का कहना है कि आप सपने देखो, अगर आप सपने नहीं देखोगे तो आप कोई काम नहीं कर सकते हो, तो आपको सपने देखना बहुत ज़रूरी है। और मैंने भी ये सपना देखा है कि मुझे सिल्वर प्ले बटन यू नो चाहिए, मुझे वो मिलना है। आई डोंट नो कब मिलेगा, कब उस चीज़ को यू नो वो मैं अचीव कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, आई डोंट नो बस। लेकिन हाँ मुझे ये कि मुझे अपना यू नो इस चैनल पे अपना अपना 100% देना है, और
बहुत आगे बढ़ना है मुझे, और अब यू नो सब्सक्राइबर नहीं मिल रहे हैं या व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो इसके लिए मैं अपना जितना मैं कर सकती हूँ, जो भी मैं कर सकती हूँ, वो सब कुछ मैं कर रही हूँ। मैंने उस यूट्यूबर के यू नो वो मेरे आइडल हैं, और उस यूट्यूबर के फर्स्ट अगर मैं वीडियोस की अगर मैं बात करूँ, तो यू नो उस वीडियो को देख के उन्हें खुद भी हंसी आती होगी कि यू नो फर्स्ट टाइम में कैमरे के सामने अपने में बोलना, ठीक है, आप किसी को एज्यूम करके वहाँ पे अगर आप बोल रहे हो तो वो कितनी बड़ी बात होती है। और हर यूट्यूबर, ठीक है, जब वो पहली बार जो कैमरा यू नो पकड़ता है, उसके सामने जब वो बोलता है और उस चीज़ को आप पब्लिक के सामने लेकर के आ रहे हो, ठीक है, उसके बाद वो चीज़ पब्लिक देखती है, फिर आपको अप्रिशिएट करती है या नेगेटिव यू नो कमेंट करती है, जो भी वट एवर, तो एक गट्स होना चाहिए अंदर में, ठीक है, जो हम जैसे यूट्यूब क्रिएटर्स में हैं कि हमें मतलब हम लोग जब कैमरा जब ऑन हो जाता है, तो अब तो यू नो हैबिट सी हो गई है, हमें लगता है कि चलो हमारे सामने हमारे फ्रेंड्स बैठे हुए हैं या हमारा फैमिली मेम्बर है, हम लोग उनसे बातें शेयर करते हैं, ठीक वैसे ही हम लोग बातें शेयर करते हैं जैसे हम लोग अपने फैमिली मेम्बर से करते हैं, अपने फ्रेंड्स से करते हैं, तो वो हेजिटेशन धीरे धीरे खत्म हो जाता है। बट हाँ, फर्स्ट टाइम जब आप कैमरे के सामने बोलोगे तो आप हेजिटेट होते हो, मैं भी हुई थी, हर यूट्यूबर होता है, बड़ा से बड़ा यूट्यूबर जब पहली बार जब वो कैमरा पकड़ा होगा तो उसे याद होगा कि वो कितना हेजिटेट हुआ था, उसे कितना नर्वसनेस हुआ था, मुझे भी हुआ था। और सब्सक्राइबर नहीं मिल रहे हैं, या इट्स ट्रू कि मुझे सब्सक्राइबर्स नहीं मिल रहे हैं, बट फिंगर क्रॉस एंड बस गॉड पे बिलीव है कि आज नहीं तो कल मेरे भी सब्सक्राइबर होंगे ही, और मुझे भी वो सिल्वर प्ले बटन चाहिए, मुझे वो रिवॉर्ड चाहिए, मुझे वो अवार्ड चाहिए। वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है एज अ यूट्यूबर, मतलब जैसे आप यू नो फिल्म फेयर अवार्ड होता है ना एक्ट एक्ट्रेस के लिए, उतना बड़ा वो यू नो वो अवार्ड है। और जैसे जब आपके 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होता है तो आपको सिल्वर मिलता है, उसके बाद फिर सिल्वर प्ले बटन तो चाहिए, वो 1 साल में मिले, 2 साल में मिलेगा, 3 साल में मिलेगा, आई डोंट नो कब मिलेगा, बट ये है, मैं बस काम करती जा रही हूँ यूट्यूब पर, ठीक है। आई नो आज लोग नहीं जुड़ रहे हैं, लेकिन कल लोग जुड़ेंगे, अप्रिशिएट करेंगे मेरे काम को, करना पड़ेगा उनको, बिकॉज मैं कुछ गंदगी नहीं फैला रही हूँ, मैं यू नो अपने डेली लाइफ को अपने चैनल पे दिखा रही हूँ, और ये बहुत बड़ी बात होती है एज अ मदर। मैं एक मदर हूँ, मुझे यू नो बच्चे को संभालने के साथ साथ मैं ये काम कर रही हूँ एज अ प्रोफेशन, मैंने यूट्यूब को लिया है एज अ करियर, मैंने यूट्यूब को स्टार्ट किया है, तो देखती हूँ कब ये मैं यू नो अपने उस गोल को, अपने उस ड्रीम को मैं अचीव करती हूँ। अभी तो दिल्ली बहुत दूर है, एक्चुअली दूर क्या, अभी तो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि मुझे सिल्वर प्ले बटन मिलेगा। वैसे मैं सोचना तो चाहती हूँ, एक यू नो एक जब आप बहुत खुश होते हैं तो आपको यू नो एक होप होता है कि नहीं मैं काम कर रही हूँ, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, मुझे सिल्वर प्ले बटन मिलेगा। और ऑन द अदर हैंड जब लोग आपको डीमोटिवेट कर देते हैं कि यार ऐसे नहीं, वैसे नहीं, ये नहीं, वो नहीं, दिस नहीं, डैट नहीं, तब थोड़े से यू नो डीमोटिवेट हो जाते हो, मैं भी हो जाती हूँ। कल इस वजह से यू नो मेरा मूड जो है बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, बहुत इरिटेशन हो रही थी मुझे लोगों की सोच से, और बट फिर मुझे मेरी मदर की बातें याद आती हैं, वो जो कहती हैं हमेशा कि जब आप कुछ नया काम करने जाते हो, ठीक है, जो लोग नहीं कर पाते वेरी ऑब्वियस वो आपको डीमोटिवेट करेंगे, अगर आप किसी काम को स्टार्ट कर रहे हो तो आप नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों चीज़ों के लिए आपको यू नो रेडी रहो। तो मैं मेंटली तो रेडी रहती हूँ, बट कभी कभी क्या होता है ना कि थोड़ा बुरा लगता है, हिम्मत टूटने लगती है, पेशेंस लूज हो जाता है, बट ठीक है, चलता है यार, जैसा भी है जो भी है, मुझे तो काम करना ही है। और यू नो थोड़ा ज़्यादा ही यू नो अपना 100 नहीं, अपना 200, 300, 400 अपना परसेंट देना पड़ता है, तब जाके मुझे कुछ चीज़ें अचीव होती हैं लाइफ में। ठीक
ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, कब मुझे वो सिल्वर प्ले बटन मिलता है, डोंट नो। तो चलो, ये देखो मेरी स्किन कितनी क्लीन हो गई। तो चलो अब मैं आपको मिलती हूँ कल। चलो बाय, अभी गुड नाइट। अभी मुझे भी अब नींद आ रही है, देखो मेरी आँखें, मेरे काजल। ठीक है, चलो बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।